जिला न्यायालय रीवा में एक दर्जन से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। व्यवहार न्यायाधीशों की व्यवस्थापना हुई है। लगातार चली आ रही परंपरा के अनुसार नवागत न्यायाधीशों का अधिवक्ता संघ ने स्वागत किया। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला न्यायाधीश राकेश कुमार प्रधान सहित कई न्यायाधीशों की पदस्थापना हुई है। परंपरा के अनुसार सभी का स्वागत किया गया है। उक्त स्वागत का उद्देश्य आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करना है। बार और बेंच के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे, आपस में चर्चाएं होती रहें, इसके लिए न्यायाधीशों के साथ परिचय कर उनका स्वागत किया गया। आइए दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनते हैं जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने नवागत न्यायाधीशों का किस तरह से स्वागत किया और आगे सामंजस्य बनाकर किस तरह से कार्य करने की बात कही है। देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, बार और बेंच के बीच में एक सामंजस्य सौहार्दपूर्ण वातावरण और सहयोग की भावना से कार्य होते रहें, इसके लिए ये लगातार परंपरा रही है कि बार बेंच को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, सहयोग किया जाता है। और उसी तारतम्य में हमारे संघ में, हमारे जिला न्यायाधीश में न्यायाधीशगण, नवागत न्यायाधीशगण आए हुए हैं, तो उनके संबंध में परिचय और सामान्य चर्चाएं। इसमें अभी जो नए जज आए हुए हैं, तो उसमें जो प्रमुख रूप से जिला न्यायाधीश आए हैं, तो प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान साहब आए हैं, सुरेंद्र कुमार जी आए हैं, श्रीमती पद्मा जाटो, श्री संदीप श्रीवास्तव, श्री शशांक खरे, श्री संतोष कुमार तिवारी और श्री धर्मेंद्र सोनी, ये सब हमारे जिला न्यायाधीशगण अभी नवागत हैं, उनका हमने स्वागत किया है। और व्यवहार न्यायाधीश जो हैं वो कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग में से आए हुए हैं, जिसमें श्री पन्ना नागेश, श्री सुश्री स्वाति रघुवंशी, श्री दिलीप महोर, श्री कंचन सैनिक, सुश्री श्रेष्ठ चौरसिया, सुश्री प्रिया चौहान, ये लोग अभी स्थानांतरित होकर हमारे रीवा संघ में आए हैं, उनका भी हम लोगों ने तहे दिल से स्वागत व सत्कार किया। मैं जिला अधिवक्ता संघ रीवा का सचिव DS ओझा हूँ, अभी नवनिर्वाचित हुआ हूँ, और मेरे कार्यकाल का ये पहला बृहद और गरिमामय कार्यक्रम था। नागरिक होने के नाते
लिए आज हमी है। केवल न्यायपालिका सब कुनकुनिया उठती है, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रेस का संसार हो, सब कुनकुनिया उठती है। पर अगर 1.5 अरब आबादी की अगर कहीं विश्वास की नजर टिकती है तो केवल न्यायपालिका पर टिकती है। आप उनको चाहे कितना अंतर करते हो, पर इस देश का आम मतदाता, आम नागरिक न्यायपालिका पर विश्वास करता है। अधिवक्ता संघ रीवा के चाहे जो भी सदस्य रहे हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे और बेंच के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मतभेद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं ये कोई गैर नहीं, ये हमारे और उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा पहला उत्तरदायित्व है। ऐसे उनका भी उत्तरदायित्व कि हमारे सम्मान की रक्षा हो। एक पक्ष ताली नहीं बजाता, जब दोनों मिलते हैं तभी ताली बजती है। हम मिलकर न्यायपालिका को समाज की इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि रीवा का जो इतिहास था विधि के संसार में, जस्टिस गुरुप्रसन्न सिंह, जस्टिस जे एस वर्मा, किस माटी की देन, जो आज न्यायपालिका के सशक्त हस्ताक्षर है, जिनकी किताबें पढ़कर लोग मजिस्ट्रेट बनते, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते, उच्चतम न्यायालय में जाकर प्रैक्टिस करते, ये उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि है। हम जो नहीं जानते वो हमें पूछने लगी, किसी तरह का कोई सर्व और लिहाज नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी बेंच के पदाधिकारी हैं, चाहे वो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो, मैं सभी जितने नए अधिवक्ता उनसे अपेक्षा करूंगा। मैंने 2-4 बार नए अधिवक्ताओं को बिठाकर उनसे बात की है, आपकी मदद तो स्वयं न्यायपालिका करेगी, लेकिन आपकी हिम्मत जुटाओ, आप न्याय के न्यायदान की। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।